Student, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 20, eating together. Okay, that means milkar khaye. Okay, let's see. Class party. The school reopened today after the vacation. छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है. The children share news about how they spend their holiday. सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं. When did you put Mehdi on your palms? Meena asked Aarti. Meena ने आरती से पूछा कि तुमने मेहंदी कब लगाई. At my uncle's wedding, Aarti said. आरती कहती है कि मैं अपने अंकल मामा की शादी में लगाई हूँ. We must have had a lot of fun at the wedding, David said. David का बोला कि वहाँ तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम बहुत सारी मस्ती की होगी. Oh yes, I enjoy the wedding feast the most, Aarti said. आरती कहती है कि हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया. At the wedding, we had fun with all my cousins and other relatives eating and doing everything together. वो कहती है कि वहाँ जब हम भाई बहन और रिश्तेदार के साथ एक साथ मिलकर खाते थे, वो बहुत अच्छा मोमेंट था. आरती said, why do not we do something like this in school? क्यों नहीं ऐसा हम लोग स्कूल में भी करना चाहिए, हम लोग स्कूल में भी करते हैं. लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर, रैना आस्क्ड. क्यों ना, रैना कहती है कि क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा कुछ करें और कुछ मस्ती करें. आई हैव एन आइडिया, डेविड सेड. डेविड कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक उपाय है. वाई डू नॉट वी हैव ए क्लास पार्टी, क्यों ना हम एक क्लास में पार्टी करें. Then we can also eat and have fun together. तब हम उसमें मस्ती भी करेंगे और कितना मज़ा भी आएगा. We have party in our colony whenever there is a festival. We collect money from everyone for the party. हमारी कॉलोनी में भी सभी त्योहारों पर पार्टी होती है और सभी घरों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं. We collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market, Reena said. Reena कहती है कि पार्टी करने के लिए हम कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से लाते हैं. Reena said, we don't need a festival to have a party. Saturday in half day, Saturday's half day. Why do not we plan to have our party then? पार्टी करने के लिए त्यौहार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं, रीना बोली. एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड विद व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी. सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा. ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एंजॉय देयर पार्टी. सैटरडे को सभी बच्चों ने अपनी पार्टी इंजॉय की. देयर वॉज ए सो मच वैरायटी इन फूड. उस पार्टी में तरह तरह के खाने की चीजें थी. दे प्लेड सो मैनी गेम्स. एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स. दे वर सिटिंग सिंगिंग एंड डांसिंग टू. सभी बच्चे ने बहुत मस्ती की है, नाच गाना भी हुआ. दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच ए पार्टी अगेन. बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे. ओके, हियर देयर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ दिस पॉइंट. लेट सी फर्स्ट क्वेश्चन. डू यू लाइक टू इट विथ अदर्स. क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? Yes, I do like to eat. Yes, I like to eat with others. Next question. On what occasion do you eat together with your friend? कौन कौन से मौके पर तुम सब मिलकर खाते हो? We eat together while a celebrating festival and a function, during lunch, breakfast and dinner. Also we eat together. Next question. Have you ever had a party in your class? When, what all did you do to arrange a party? क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? कब की थी और उसके लिए क्या क्या किया था? Okay. Next question. What did you and your classmate bring the party? पार्टी में तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या चीज लाए थे? तो we brought बलून्स, फ्लैग्स, स्पार्कल्स, कलरफुल बॉल्स, ओके एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट ऑल डिड यू इट. तुम सभी ने क्या क्या खाया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड स्नैक्स एंड देन वी हैड लंच.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द पीपल यू इनवाइट फॉर योर पार्टी? तुम अपनी क्लास में, क्लास पार्टी में किन किन को बुलाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर देयर सम पीपल हु वर्क इन योर स्कूल होम यू कुड नॉट इनवाइट, हु वर दिस पीपल? क्या ऐसा भी है कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुमने नहीं बुला पाए, वे कौन थे? तो नो ऑल द पीपल हु वर्क इन माई स्कूल वर इन्वाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड वी वेयर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी? पार्टी में क्या तुमने कोई विशेष कपड़े पहने थे? आंसर, यस वी ऑल वोर पार्टी ड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू मेक द पार्टी ग्रेटर फॉर एवरीवन डिस्कस? पार्टी को मजेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पे आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट, सेलिब्रेटिंग बीयू, सोन मोनी वोक अप अर्ली एंड रैन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर फातिमा एंड मजानी। सोन मनी जल्दी से उठी और भाग गई तनवीर फातिमा और मजानी से मिलने गई। टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम, द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। आज बिहू त्यौहार जो कि आसाम में मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना, इसी के लिए वहाँ पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, गांव वाले सभी लोग बिहू का फेस्टिवल मनाने जा रहे थे। द फोर फ्रेंड्स सैंग एंड चैटेड हैप्पीली एज दे मेड द बेलागर फ्रॉम बैम्बू, चार सरियों मस्ती में गीत गाने और बेलागर बनाने लगी। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेट बिहू, आओ बिहू कैसे मनाया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करें। नेक्स्ट, सोन मोनी हरी अप वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेलागर ऑफ ग्रास एंड बैम्बू बिफोर द फिस्ट टुनाइट। सोन मोनी कहती है कि जल्दी करो, रात के भोज के पहले घास और बांस से बेलागर बनाकर तैयार करना है। तनवीर, यस टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे क्योंकि आज तो उरुका जो है। फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फिस्ट, भोज की तैयारी शुरू हो गई है क्या? सोन मोनी, यस एवरीवन हैज कंट्रीब्यूट मनी टू बाय द बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल, हाँ सभी परिवारों ने पैसा इकट्ठा करके बोरा चावल रात को जलाने के लिए लकड़ी और बांस और मेजी का इंतजाम किया। दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर द मेजी, हरिया एंड बढ़िया हैव नॉट गिवेन मनी, हरिया और वादिया ने पैसे तो नहीं दिए हैं, बट दे आर हेल्पिंग विद ऑल द वर्क, लेकिन वे लोग सभी काम में मदद कर रहे हैं। फातिमा, व्हाट अबाउट द मीट फिश एंड वेजिटेबल, मांस मछली और सब्जियां का क्या हुआ? सोन मोनी, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग्स, द बोरा राइस हैज बीन सोक्ड, कुछ लोग ये सब खरीदने गए हुए हैं और बोरा चावल भिगो दिया है। द होल विलेज इज बिजी मेकिंग पिठा, और गांव के सभी लोग पिठा बनाने में बिजी हैं। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटो, कुछ लोग पका रहे हैं और कुछ लोग शकरकंद को भून रहे हैं। सम विल हैव टू सर्व द फूड एट द नाइट, और कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगे हैं। इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पिट्ठा, शाम को सभी चाय और पिट्ठा भी देंगे। तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चीवा राइस दैट वी विल गेट इट एट द फिस्ट, आई रियली लव इट। तनवीर, रात के खाने में चीवा चावल भी मिलेगा ना, मुझे वो बहुत ही पसंद है। फातिमा, हाउ विल द चीवा राइस बी प्रिपेयर्ड, फातिमा बोलती है कि कैसे पकाएंगे चेवा चावल। सोन मोनी, दे विल लाइट ए फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग ताव, ए बिग वेसल, ऑन दिस वेसल्स दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सॉक राइस एंड कवर इट विद बनाना स्लिप,
After some time, the cheva rice will be cooked at and ready to eat. ताव मीन्स होता है कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी डालेंगे और उस पर रखेंगे भींगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई, फिर उससे केले के पत्तों से ढक देंगे, थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेटेस्ट टॉक. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड. बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है. द फेस्टिवल ऑफ बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ असम. बिहू त्यौहार असम स्टेट में मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट टुगेदर विद अदर्स फैमिलीज. तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं. वी सेलिब्रेट होली, दीपावली, ईद, दशहरा टुगेदर विद अदर फैमिलीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल. क्या इन त्योहारों पर सभी लोग मिलकर पकाते और खाते हैं. यस, एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल. व्हाट आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेस दैट आर कुक्ड एंड हाउ आर दे कुक्ड. इस फेस्टिवल में कौन कौन से पकवान या कौन कौन से डिशेस पकाते हैं और कैसे पकाते हैं. पुआ, गुजिया एंड दही बड़ा आर द मेन स्पेशल डिशेस विच आर कुक्ड ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली. And sevai is the main special dish which is cooked on the festival of Eid. Okay, next, are some special vessels used for cooking these items. What are they? क्या खाना पकाने के लिए किसी खास बर्तन के इस्तेमाल होते हैं इन खानों को पकाने के लिए और कौन कौन से बर्तन यूज किए जाते हैं. कढ़ाई is used to cook पुआ and pan is used to cook. Now next question, which is the biggest vessel that is used. Can you draw a picture of it. Can you guess how many people can eat the food that is cooked in it at one time. सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है. आपको उसके पिक्चर ड्रॉ करने हैं और आपको गेस करने हैं कि इसमें उसमें एक बार में पके खाने को कितने लोग खा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, द बेलाघर वॉज रेडी. बेलाघर तैयार हो गया. द फोर फ्रेंड्स रैन अप टू चेंज देयर क्लॉथ. जो चार दोस्त थी वो अपने क्लॉथ अपने कपड़े को चेंज करने के लिए दौड़ी. सून ऑल द पीपल इन द विलेज गॉट टुगेदर एट वन प्लेस. थोड़ी देर में गांव के सभी लोग भी आ गए. द वुमेन वर ड्रेस्ड इन फैट एंड मुगा मुखला चादर. ज़्यादातर औरत ने पीले कपड़े पहने थे और रंग बिरंगी मेखला चादर पहनी हुई थी. सोन मुनी एंड हर फ्रेंड रैन टू द वेला घर. सोन मुनी और उसकी जो दोस्त थी वे वेला घर की ओर दौड़ी. द ड्रम्स स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्ट टू सिंग एंड डांस. ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे. एवरीवन डांस टिल दे वर टायर्ड. सभी लोग तब तक डांस करते रहे जब तक वो थक नहीं रहे थे. Then they all sat down on the ground in rows and ready to eat. सभी लोग ने जमीन पर बैठ गया और एक रो में बैठ गया और खाने के लिए तैयार. The food was served on the banana slip. उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया. Everyone enjoyed the feast. सभी लोग ने दावत enjoy किए. That night they stayed in Velaghar. और उस रात वे लोग सभी लोग बेलाघर में ठहर गए. मजानी सोन मोनी वी शुड गो एंड स्लीप नाउ. मजानी ने सोन मोनी से अब हम लोग को सोना चाहिए. वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड बेलाघर आल्सो. सुबह जल्दी उठकर मेजी भी जलाना है. नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट एंड डू. पता लगाओ और करो. फर्स्ट क्वेश्चन, Can you guess how many people must have eaten together in the village feast? आपको guess करने हैं कि इस भोज में लगभग कितने लोग ने एक साथ खाना खाया होगा. Next, have you ever seen the view dance? Did you like it? क्या तुमने कभी view नृत्य देखा है और कैसा लगा है? Next, find out from the students in your class the festival that they celebrate and a special food that they eat on this day. Who cooks
द स्पेशल फूड फॉर फेस्टिवल। पता करो कि तुम्हारे क्लास के बच्चे कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं और इन त्यौहारों पर क्या क्या खास खाया जाता है, एंड हु कुक द स्पेशल फूड फॉर फेस्टिवल, और फेस्टिवल के लिए कौन खाना बनाता है। ओके, नेक्स्ट, डू यू वेयर क्लॉथ्स ऑफ सम स्पेशल कलर्स ऑन सम फेस्टिवल्स, मेक ए पिक्चर ऑफ दिस क्लॉथ्स इन योर नोटबुक। क्या तुम किसी त्यौहार या अवसर पर कुछ खास तरह के कपड़े या खास रंग के कपड़े पहनते हो, उन कपड़ों के आपको चित्र कॉपी में ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट, आर देयर स्पेशल सॉन्ग्स दैट आर संग एट डिफरेंट फेस्टिवल इन योर प्लेस, लर्न सम ऑफ दिस सॉन्ग्स एंड सिंग देम इन द क्लास। क्या तुम त्योहारों पर कुछ खास तरह के गाने गाती हो, कुछ गीत सीखकर क्लास में आपको सुनाने हैं। नेक्स्ट, लर्न सम स्पेशल फेस्टिवल डांसेस, परफॉर्म दिस विथ योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल असेंबली। त्यौहार पर होने वाले कुछ खास नृत्य सीखो और फिर स्कूल की सुबह की सभा में नृत्य अपने दोस्तों के साथ करके दिखाओ। नेक्स्ट, व्हेन यू मेट फ्रेंड्स ऑफ योर ओन एज, डू यू डू एनीथिंग स्पेशल लाइक प्ले ए गेम, चैट और वॉच ए मूवी, व्हाट एल्स डू यू डू। अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर क्या तुम कुछ खास करते हो, जैसे कोई खेल, गपशप, सिनेमा देखना या कुछ और। ओके, नेक्स्ट, मिड डे मील। नेक्स्ट पॉइंट, मिड डे मील। इट इज ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वेरेंडा एंड आवर स्टोमेक्स आर रंबलिंग। दोपहर का 1 बजने वाला था और खिड़की से अच्छी खुशबूदार बरामदे से अच्छी खुशबूदार महक आ रही थी और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वी आर सो हंग्री, हम लोग सभी बहुत भूखे हैं। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास, हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और बाहर ज़्यादा जा रही है। ओके, डिंग डिंग डिंग, एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, टन टन आखिरी घंटी बजी गई। All the children ran out and went to wash their hands. सभी बच्चे बाहर निकले और हैंड वॉश के लिए, हाथ धोने के लिए दौड़े। Master Mosai sent all the children to the hand pump at the corner of courtyard. Master Mosai ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंड पंप की तरफ भेजा। In order see that everyone washes their hands properly, he called. आनंदो, देखो तो सब ठीक से हाथ तो धो रहे हैं, उन्होंने कहा। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन कीवी टू टेक आवर फूड। आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स, हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया। सम हैड देयर ओन बॉक्स एंड अदर देन हैड प्लेट्स, कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने अपने थाली में लिया। देन वी ऑल सैट डाउन इन द सर्कल विद आवर फूड। Before we started to eat, we sang together. तब हम लोग इसके बाद हम लोग एक सर्कल बनाए और बनाकर बैठ गए। खाने से पहले सबने मिलकर play together, we ate together. For the good of everyone, we will always be together. साथ हम खेले, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहे हम हरदम साथ। Today there is भात सुक्तो, राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन आवर मील। कभी आज भात सुक्तो बना हुआ है, तो यस्टरडे वी हैड एंड लूची एंड छोला दाल, और कभी तो यस्टरडे हम लोगों को लूची और छोला दाल था। आउटसाइड दीदी मोनीस room, a list of food items had been displayed. It tells what we will get on different days of the week. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, maybe something sweet. हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, ये दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता था। There is another interesting thing about lunchtime at school. Lunchtime एक और भी interesting बात थी कि every day we change our place in the circle and sit next to a different child. हम लोग सभी लोग अपने place को
चेंज कर देते सर्कल में और दूसरे के सीट नेक्स्ट टू ए डिफरेंट चाइल्ड, और दूसरे बच्चे की सीट पे बैठते तो दूसरा दूसरे के बच्चे के सीट पे बैठते थे। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रेन एंड मेक न्यू फ्रेंड, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था जैसे कि मैं हमेशा एक नए दोस्त, कई बच्चों से पहचान हो जाती थी और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। ओके, द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, फूड जो था वो हमेशा अच्छा नहीं रहता था। समटाइम राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, समटाइम इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, एंड सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रेन टू ईट सच फूड। कभी कभी राइस की क्वालिटी जो रहती थी वो बहुत अच्छी नहीं रहती थी, बहुत बेकार रहती थी, और इट वॉज नॉट प्रॉपरली, कभी कभी होता था कि उसे अच्छे से पकाया भी नहीं जाता था, और सम ऑफ पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रेन टू ईट सच फूड, तब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी एक्सप्लेन टू देम इट वॉज एवरी वन्स ड्यूटी टू मेक श्योर डैट द चिल्ड्रेन गॉट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड। दीदी मोनी ने समझाया हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा, ठीक से पका हुआ और गर्म और ताजा हो। ऑल्सो मेक श्योर डैट एवरी चाइल्ड गेट्स आफ्टरनून मील रेगुलरली, द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प, और दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी। नाउ थिंग्स आर बेटर, अब सब ठीक है। वी ईट फ्रेश शॉर्ट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर, गर्मा गर्म पका हुआ खाना हम सभी एक साथ खाते हैं। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड, बट माई फ्रेंड्स एंड आई आर समटाइम्स स्टिल ए लिटिल हंग्री इवन आफ्टर वी एट, कभी कभी जितना खाना मिलता है उसमें छोटे बच्चों का पेट तो भर जाता है पर मेरा और मेरे दोस्तों का नहीं। नाउ अ डेज मेनी स्कूल्स गिव फूड इन स्कूल ड्यूरिंग द डे, आजकल तो स्कूल में भोजन मिलता है। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, पर पहले ऐसा नहीं था। वेन माई दीदी वॉज इन द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन द स्कूल, जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। सम चिल्ड्रेन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग, इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एम्प्टी स्टोमच, और कई बच्चे तो सुबह बिना खाए ही स्कूल आ जाते थे। इमेजिन करो, कल्पना करो कि खाली पेट और वो दिन भर पढ़ाई भी कैसे करते होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक, पता करो और कॉपी में लिखो। राइट अबाउट द फूड गिवन इन स्कूल, तुम भी अपने स्कूल के खाने के बारे में बताओ। इफ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल, यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता है, आस्क योर फ्रेंड और समवन एल्स हु गेट फूड इन द स्कूल, तो ऐसे फ्रेंड से, ऐसे दोस्त से या किसी और पर्सन से पूछो जिनके स्कूल में खाना मिलता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम इज द मील सर्व, आपको पूछते हैं कि भोजन किस समय मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल, मील में तुम्हें क्या मिलता है। नेक्स्ट, डू यू लाइक द मिड डे मील दैट वी गेट, जो मिड डे मील मिलता है क्या तुम्हें वो पसंद आती है। नेक्स्ट, इज द फूड दैट वी गेट इनफ फॉर यू, क्या जो खाना मिलता है उससे तुम्हारा पेट भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और डू यू गेट इट इन स्कूल, क्या तुम्हें अपना बर्तन साथ लाना होता है या स्कूल से मिलता है। नेक्स्ट, हु सर्व द फूड, भोजन कौन परोसता है। डू योर टीचर इट विद यू, क्या तुम्हारे टीचर भी तुम्हारे साथ खाते हैं। नेक्स्ट, इज द विक्स मेनू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड, क्या स्कूल के बोर्ड पर हफ्ते भर के खाने के बारे में सूची बोर्ड पे लिखा होता है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, बुधवार और शुक्रवार को दोपहर के खाने में क्या मिलेगा। इफ यू गॉट ए चांस टू चेंज द मेनू फॉर द मील इन योर स्कूल, यदि आपको चांस मिलता है, आपको मौका मिलता है अपने स्कूल की सूची को बदलाव करने का, तो व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज, तो आप क्या बदलना चाहोगे। एंड व्हाट यू वुड यू लाइक टू इट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। मेक योर ओन मेनू, यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं जिसमें डे शो किया गया और यहाँ फूड आइटम्स शो किए गए, तो
तो आपको यहाँ पे डे के अकॉर्डिंग आप अपने चॉइस के फूड को लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट गेट फूड इन द स्कूल फाइंड आउट व्हाई. यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो पता करो कि ऐसा क्यों होता. नेक्स्ट पॉइंट, मिड डे मील एवरी चाइल्ड राइट. बच्चों का हक होता है मिड डे मील. मेनी चिल्ड्रेन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फूड मील एवरी डे. हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है. मेनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टोमेक्स एंड कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली. और इनमें से कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाते हैं. जो स्कूल जाते हैं एक खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते हैं. सम इयर्स एगो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गेव एन इम्पोर्टेंट डिसीजन. कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया. ऑल चिल्ड्रेन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड फूड. दिस इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत थी उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ और गर्म खाना मिलना ही चाहिए. ये सभी बच्चों का अधिकार है. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.